बेटे लास्ट टाइम हम लोगों ने मोलैरिटी टॉपिक डिस्कस किया था, आज हमने टॉपिक डिस्कस करना है बेटे, डेट इज मोलैलिटी। बेटे क्या डिस्कस करना है? मोलैलिटी। मोलैलिटी क्या होता है बेटे? दैट इज स्मॉल एम्सेस को डिनोट करते हैं। स्मॉल एम्सेस को क्या करते हैं? डिनोट करते हैं। मोलैलिटी क्या होता है ध्यान से सुनो, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, आपने सॉल्यूट के मोल्स लिए, डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम, वेट ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम, वेट ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। अब वेट और मास एक ही चीज़ है बेटे, फिजिक्स में वेट होता है mg, बट हमारे में वेट और मास क्या होता है? सेम होता है। अब आपका जैसे बेटे इस पर सबसे पहला न्यूमेरिकल की टाइप क्या बनती है बेटे? सबसे पहली आपकी न्यूमेरिकल की टाइप बनती है कैलकुलेट दी मोलैलिटी, कैलकुलेट दी मोलैलिटी ऑफ 0.8 ग्राम NaOH इन 200 ग्राम ऑफ वाटर, 200 ग्राम ऑफ वाटर, ये आपको मैंने दी। अब आप कैसे निकालोगे मोलैलिटी? पहले मोल्स बनाओगे, पहले क्या बनाओगे? मोल्स। मोल्स कैसे बनते हैं? गिवन मास बाय में मोलर मास, मोलर मास NaOH का कितना होता है? 40, डिवाइडेड बाय 200 इंटू में 1000, ये 1000 मैंने क्यों लगाया? यानी कि ग्राम को क्या करने के लिए? किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए। यहाँ से आपकी मोलैलिटी निकल आएगी, यहाँ से आपकी क्या निकल आएगी बेटे? मोलैलिटी। अब इस तरीके से आप सॉल्व करोगे, यहाँ से आपकी निकल आई मोलैलिटी, इट विल बी 5, कोई दिक्कत नहीं। ये क्या आपका किस पे? 8 पर ख़त्म, डेट इज 0.1 मोलल बेटे। और इसकी यूनिट क्या लिखते हैं? मोलल, या फिर स्मॉल एम भी लिख देते हैं बेटे। क्या लिख देते हैं? स्मॉल एम। ये आ गई आपकी टाइप 1। टाइप 2 आपकी क्या आती है ध्यान से सुनना बेटे। अब टाइप 2 क्या आती है बेटे? टाइप 2 में होता है आपका, दैट इज टाइप 2। अब टाइप 2 में आपको क्या देते हैं बेटा ध्यान से सुनना, वो आपको कहेगा कैलकुलेट दी मोलैलिटी ऑफ OH आयंस बेटे। OH आयंस आपको, OH आयंस की निकालनी है, आयन की निकालनी है इन 0.8 ग्राम ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बेटे, ये दे दिया इन 400 ग्राम ऑफ वाटर, 400 ग्राम ऑफ वाटर आपको ये दे दिया। अब ये हम कैसे कैलकुलेट करेंगे ध्यान से देखना। देखो आपको किस तरीके से इसको सॉल्व करना है। सबसे पहले सिंपल मोलैलिटी निकालो, सिंपल मोलैलिटी कैसे? 0.8 बाय में इसका मोलर मास, कैसे निकलेगा इसका मोलर मास आपका? सिंपली ये 40 हो गया, प्लस 16 टू जै 32, प्लस में 2, इट विल बी 74 यू बेटा जी। लो जी बाय में 74, अपॉन में कितना आएगा? 400 बेटा, ऊपर क्या आएगा? 1000। सपोज करो ये आपकी एक्स निकल आई जी, ये आपकी क्या निकल आई? एक्स। अब ध्यान से देखो तुम्हें किसकी निकालनी है? OH की। कितने OH है तुम्हारे पास? 2। तो याद रखना मोलैलिटी ऑफ OH आयंस क्या होगी? दैट इज आपकी बेटे 2 इंटू में एक्स बेटा जी, इट विल बी द आंसर। ये बात क्लियर? ये होगी आपकी टाइप 2 बेटा जी। अब इसके बाद फिर आती है आपकी टाइप 3 बेटे। अब टाइप 3 क्या कहेगी ध्यान से सुनना, टाइप 3 न्यूमेरिकल की कैसे बनेगी? आपको टाइप 3 कैसे सीखनी है बेटे, बड़े ध्यान से सुनो। आपको पेपर में मोलैरिटी गिवन होगी, मोलैरिटी इज गिवन और आपको मोलैलिटी निकालनी होगी। क्या होगी बेटे? मोलैलिटी निकालनी होगी, कैलकुलेट मोलैलिटी। एक चीज गिवन है और दूसरी चीज निकालनी है बेटे, तो आपको एक स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर्मूला यूज करना है, मोलैरिटी इज इक्वल टू स्मॉल m इंटू डी, 1 प्लस में स्मॉल m
mass of solute by में 1000 बेटे जी, by में 1000. ये small m क्या है? Molality. और ये d क्या है? Density. ठीक है बेटे? और it will be molarity बेटे. It will be molarity. हो गया ये? जैसे suppose करो मैंने आपको ये question दिया. Calculate the molality of 0.4 gram NaOH if its molarity is 0.2 molar having density density 1.04 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब. मैंने आपको ये दे दिया. अब ध्यान से देखो, ये सिर्फ मैंने आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया है, इसका कोई रोल नहीं है क्वेश्चन में. सिंपल मोलैरिटी आपको कितनी गिवन है? 0.2 वैल्यू पुट कर दी 0.2. स्मॉल एम आपको निकालना है. आपकी डेंसिटी कितनी गिवन है? दैट इज 1.04 अपॉन में 1 प्लस फिर स्मॉल m निकालना है. m2 कितना लेंगे? NaOH का मास कितना होता है? 40 बाय में 1000. बोलो सिंपल हो गया. मैथमेटिक्स लगा के इसको सॉल्व कर देंगे. यहां तक सबको क्लियर हो गया टाइप 3. अब फिर आती है नेक्स्ट चीज बेटा, दैट इज टाइप 4 बेटे. अब टाइप 4 कैसे चलेगी बेटे, बड़े ध्यान से देखना. टाइप 4 बेटा, अब टाइप 4 में आपको क्या होगा? ध्यान से देखो, मोलैलिटी गिवन होगी, मोलैरिटी निकालनी होगी. मोलैलिटी इज गिवन, मोलैलिटी इज गिवन, और कैलकुलेट करनी है आपको क्या? मोलैरिटी. क्या निकालनी है? मोलैरिटी. तो ये जस्ट रिवर्स हो जाएगा किसके? टाइप 3 का. इट इज सिंपली रिवर्स ऑफ टाइप 3. ये सबको क्लियर हो गया. ये था हमारा टॉपिक, दैट इज मोलैलिटी बेटे. क्या था? मोलैलिटी. अब इसमें कई बार बेटे एक कंफ्यूजन तुम्हें क्या देंगे, सुनो. एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आपको डेंसिटी गिवन होगी. सुनो ध्यान से, डेंसिटी क्या होगी? गिवन. इसके बाद आपको इसके अंदर डेंसिटी के साथ साथ एक एक्स परसेंट चीज गिवन होगी. X परसेंट वेट बाय वेट गिवन होगा. X परसेंट वेट बाय वेट. और आपको कहेगा मोलैरिटी और मोलैलिटी निकालो. कहेगा कैलकुलेट करो एक तो मोलैरिटी और मोलैलिटी दोनों निकालो बेटे. दोनों मोलैलिटी भी और मोलैरिटी भी, दोनों चीजें निकालो. तुमने कैसे निकालनी है? एक फॉर्मूला याद रखो, वेरी इंपॉर्टेंट. X परसेंट इंटू डेंसिटी इंटू 10 बाय में मोलर मास ऑफ सॉल्यूट बेटे, m सॉल्यूट. X परसेंट यहाँ कितना है आपका? X परसेंट दैट इज क्वेश्चन में जो गिवन होगा. जैसे सपोज करो, कैलकुलेट दी, कहता हूँ मैं मोलैरिटी एंड मोलैलिटी ऑफ 0.8% वेट बाय वेट ग्लूकोज हैविंग डेंसिटी 0.18 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब. मैं आपको ये दे देता हूं. अब मैंने आपको ये दिया, सिंपल पहले निकालो मोलैरिटी बेटे. क्या निकालो? मोलैरिटी. कैसे? एक्स परसेंट क्या पुट करोगे? 0.8 इंटू डेंसिटी कितनी है आपके पास? 0.18 इंटू 10 बाय में कितना लोगे आप ग्लूकोज का? 180. ग्लूकोज का कितना लोगे? 180. आपका आंसर आ जाएगा. लो जी, मान लो एक्स आंसर आ गया. आ गया एक्स आंसर. अब ये आने के बाद निकाल दो मोलैलिटी. अब कैसे निकलेगी मोलैलिटी? m इंटू डी 1 प्लस m m2 बाय में 1000 बेटे जी. यू गेट दी
आंसर, पहले मोलैरिटी एंड आफ्टर देन मोलैलिटी, निकल गई ये चीज, बोलो। अब इसी तरीके इसमें और कैसे क्वेश्चन घूमेगा ये जान के, बड़े ध्यान से सुनना इस चीज को, ये जान के x परसेंट वेट बाय वॉल्यूम दे देते हैं, x परसेंट वेट बाय वॉल्यूम, तब याद रखना मोलैरिटी इज इक्वल टू x परसेंट इंटू 10 बाय में आपका मोलर मास ऑफ सॉल्यूट होगा। ये ध्यान रखना, अक्सर यहाँ चोट मारते हैं सीबीएसई बैठे, ये बात क्लियर होगी, डेंसिटी खत्म हो जाएगी उस केस में, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, ठीक है।